हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 6 नवंबर के बाद मिनी कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर के संत और शंकराचार्य महाभाग की उपस्थिति रहेगी। यह अवसर मंडी के लिए ऐतिहासिक बनने जा रहा है और इसका प्रभाव इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। पहली बार मंडी में श्रीरामार्चा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रीराम के नाम से जुड़ी वैदिक विधियों का समर्पण किया जाएगा। श्रीरामार्चा महायज्ञ को संपन्न करने के लिए क्षेत्र के देवी देवताओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। महंत राजेश्वरानंद सरस्वती ने प्रथम निमंत्रण सिद्ध गणपति को देकर यज्ञ के निर्विघ्न रूप से संपन्न होने की प्रार्थना की। इसके बाद मंडी रियासत के राजा श्रीराज माधवराय और बाबा भूतनाथ को निमंत्रण पत्र देकर यज्ञ की सफल संपन्नता के लिए आशीर्वाद मांगा गया। इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए 60 से अधिक देवी देवताओं के मंदिरों में निमंत्रण पत्र पहुंचाए गए हैं। साथ ही महाशिवरात्रि में भाग लेने वाले राज देवी देवताओं को भी निमंत्रण जारी किया जा रहा है। कुल्लू रियासत के राजा श्री रघुनाथ और श्री श्रृंगा ऋषि को भी निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। इस अवसर पर विशिष्ट वेदलक्षणा देशी गाय की उपस्थिति रहेगी। महंत राजेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि इस महायज्ञ में भाग लेने और इसके प्रसाद का कण मात्र ग्रहण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति और मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। यह आयोजन मानव जीवन के प्रारब्ध को बदलने की शक्ति रखता है। उन्होंने कहा कि राम नाम का स्मरण जीवन को सार्थकता प्रदान करता है, यहाँ तक कि रावण जैसे राक्षस को भी अंतिम समय में मुक्ति मिली थी। पटल ग्राउंड में दिनांक 6 नवंबर से 14 नवंबर तक श्री राम कथा एवं श्री रामार्चा महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसमें कथा के लिए कथा व्यास के रूप में जगत गुरु श्री राम लीलाचार्य जी के मुखारविंद से श्री राम कथा एवं इसमें देश भर के सभी संप्रदायों के संतों का पदार्पण मुख्य रूप से आचार्य महामंडलेश्वर निर्माण पीठाधीश्वर स्वामी श्री विशोकानंद भारती जी महाराज और शंकराचार्य जी का परम सानिध्य हम सभी लोगों को प्राप्त होगा। इस भंडारे इस कार्यक्रम में प्रतिदिन सभी भक्तों के लिए सभी लोगों के लिए यह भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। सभी लोग इसमें आके कथा श्रवण कर अपने जीवन कृतार्थ करें, भगवान श्री राम के रामार्चा महायज्ञ का प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन कृतार्थ करें। लगभग 300-350 संतों के आने की संभावना बन रही है। 6 नवंबर से 14 नवंबर तक 9 दिवसीय श्री राम कथा 9 दिवसीय श्री रामार्चा महायज्ञ का आयोजन है।